अस्सलामुअलैकुम। आज हम दिल्ली का स्पेशल चिकन कुरैशी कबाब बनाने जा रहे हैं। मटन के तो कुरैशी कबाब बनते ही हैं, आज हम चिकन का बना के आपको बताएंगे। बहुत ही लजीज बनता है। इसके लिए मैंने 300 ग्राम तक का चिकन का कीमा लिया है, मतलब चिकन लिया था बोनलेस, उसके पीसेस अभी मैं मिक्सी में ड्राई कर दूंगी, ग्राइंड कर दूंगी। अब ये तो इसमें थोड़े से मैंने खड़े धनिया और थोड़ा जीरा लिया है, इसे क्रश कर दूंगी। तो पहले क्रश करके इसको, रोस्ट मैंने कर लिया है, ठंडा हो गया है, अभी क्रश करके ये धनिया पुदीना दो मुट्ठी, धनिया दो मुट्ठी, 8-10 मिर्च है लाल, लाल इसलिए मैंने डाला है ताकि थोड़ा सी कबाब का कलर अच्छा आए। और अदरक और लहसुन है, अदरक 1 इंच का टुकड़ा है और 10-12 लहसुन की कलियां हैं। ये है, इसे हम सब कीमे चिकन के साथ में पीसेंगे। और ये जो मसाले हैं गरम मसाले, ये 1 चम्मच गरम मसाला है, 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर है, और 1 चम्मच है ना, 1/2 से 1/4 चम्मच लाल मिर्च है थोड़ी तीखी वाली, और ये शिमला ये कश्मीरी मिर्च है लाल, और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर है, ये भी इसमें कीमे में साथ में मिला देंगे। कोयला एक तरफ मैंने लाल करने रखा है, और ये जो है 2 अनियन इसमें चॉप करके रखे हैं मैंने बारीक, इसका पानी निचोड़ के इसमें मिला दूंगी। तो अब हम साथ, और ये मैंने घी लिया है, देसी घी है, इसे पेस्ट में हम मिलाएंगे ताकि मटन जैसा इसका वो टेस्ट आए और एकदम जूसी बन पाए। तो इसको बाद में मिलाऊंगी, आपको बताती हूँ मैं। तो सबसे पहले हम ये कीमा ये सब पीस लेते हैं, फिर आपको बताती हूँ। जार सूखा रहता है इसलिए हम सबसे पहले ये धनिया का दरदरा वो पाउडर बना लेंगे। तो पाउडर बना के बताती हूँ आपको मैं। देखिए धनिया इस तरह से दरदरी होनी चाहिए, तभी कबाब का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एक मिनट थोड़ा सी और बारीक। अब हम चिकन को पीसेंगे, फिर हरे मसाले को पीसेंगे, धीरे धीरे सब पीस कर आपको मिलाकर बताते हैं। अब हमने देखिए कीमा और ये मसाले और प्याज भी साथ में पीस लिया है। और ये नमक और मसाले भी हम साथ में मिला देंगे। और मॉइस्चर को दूर करने के लिए हमने थोड़ा सा चने का पाउडर, भुने हुए चने का पाउडर लिया है, और आधा नींबू का जूस। अब इन सबको अच्छी तरह से मिला लिया। अब सब हमने मिला लिया है। अब हम इसमें थोड़ा और नमक डालेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि नमक थोड़ा कम है, कम ज्यादा हो तो चटनी में डालकर। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसको जूसी बनाने के लिए 2 चम्मच देसी घी या बटर हो तो बटर डाल दें, एकदम अच्छा जूसी बनेगा ये। अब इसके बाद हम इसे मिला लेंगे घी के साथ में, अच्छी तरह मिला लेंगे। अगर देसी घी ना हो तो कोई भी सिंपल सादा घी भी डाल सकते हैं, डालडा घी भी। और ये देखिए अब ये पेस्ट अच्छा तैयार हो गया। अब हम इसे स्मोक देंगे कोयले का, कोयला लाल हो गया है, अब हम इसे स्मोक दे देंगे। इस पे थोड़ा घी डाल देंगे और इसे ढक कर रख देंगे। 10-15 मिनट के बाद हम कबाब बना के आपको बताते हैं। अब धुआं सब खत्म हो गया, अब हम इसे निकाल देंगे, निकाल कर हाथ से थोड़ा मसल लेंगे। मुझे थोड़ा रूखा लग रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा घी और ऐड कर रही हूँ। अब इस तरह से छोटे छोटे गोले बनाएंगे।
इस तरह से छोटे गोले बनाकर पेंसिल ले लें या पेन ले लें, या आपके पास रॉड हो सिक्का तो वो यूज कर लें। देखिए इस तरीके से इसमें डिजाइन से बना, ऐसा बना बना के सारे कबाब तैयार करें, फिर उसको आपको फ्राई करके बताते हैं। देखिए इस तरीके से बनती, पहले इसे हम लंबा कर लेते हैं, इस तरह से लंबा कर लेते हैं, उसके बाद उंगलियों के जरिए इस तरह से फिंगरप्रिंट ऐसा प्रेस करते हैं, तो फिर ऐसा उंगलियों के निशान आ जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगता है फ्राई होने के बाद। ये इस तरीके से दबा देते हैं, देखिए मैंने सबको दबाया है इस तरीके से, अब फिर निकाल के रखेंगे। अब एक चार पांच मैं बनाकर आपको फ्राई करके बता रही हूँ। अब देखिए तेल गर्म हो गया, आँच हम एकदम धीमी रखेंगे क्योंकि कबाब का कलर हमें खूबसूरत सा चाहिए, अच्छा सा चाहिए। तो अब हम शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। थोड़ा दूर दूर रखें, अब हम इसे धीमी आंच पे पकने देंगे, जब थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो पक देंगे। अब देखिए ये गोल्डन ब्राउन अच्छा अच्छी तरह से सिक गया है, ये बहुत सुंदर लगता है। अब थोड़ा सा ये साइड से भी हम सेक लेंगे घुमा फिरा के, फिर आपको सर्व करके बताते हैं। अब हमारा सीक रेडी हो रहा है, एक तरफ हम चटनी बना ले रहे हैं, फिर आपको बताते हैं। चटनी में मैंने देखिए धनिया शामिल किया, पुदीना इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि पुदीना से रंग उसका काला पड़ जाता है। ये धनिया है, हरी मिर्चें हैं, अपने हिसाब से रखें, और मैंने थोड़ा सा कैरी ले लिया है, नींबू का रस नहीं डाल रही हूँ, कैरी डाल रही हूँ, और ये लहसुन है और थोड़ा सा जीरा है, इसे पीस करके चटनी बनाकर आपको बताते हैं। अब हमने सीख रेडी कर लिया है और प्लेट में निकाल दिया है सर्व करने के लिए। अगर आपको मेरी ये सीख कबाब की रेसिपी, कुरेशी कबाब की रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बहुत ही टेस्टी होती है। और ख़ास करके खड़ा धनिया रोस्ट करके डालना ना भूलें, उससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और रमज़ान में दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।